आईपीएल का ऐसा मुकाबला जहां पर हमेशा से बात रही है सालों साल से, विराट कोहली वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी। देखो कप्तान अब विराट कोहली नहीं रहे, बीच में महेंद्र सिंह धोनी ने भी कप्तानी छोड़ी थी, लेकिन बात हमेशा यही होती है दीपक जब जब ये मुकाबला होता है कि भाई विराट वर्सेस धोनी। और इस सीजन जो है कि अच्छी चीज ही है ना, कि जो सबसे बड़ी बात जब हम आज बात भी करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी भी रंग में है, विराट कोहली भी रंग में है, दोनों की टीम अगर आप बात करेंगे तो अभी मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा आगे और कोई दोनों इंजरी से भी जूझ रहे हैं। हाँ, बट आई थिंक विराट कोहली का उतना दिक्कत क्या इंजरी का मैटर, मैंने विराट कोहली और एमएस धोनी को नहीं बोला, मतलब इंजरीज टीम के साथ जो इंजरीज चल रही है, महेंद्र सिंह धोनी तो खुद ही जूझ रहे हैं उस इंजरी के बावजूद से। हाँ। तो आप इस आईपीएल में देखो ज्यादातर टीमें जूझ ही रही है, और उस इंजरी के बावजूद जो है कि यार महेंद्र सिंह धोनी क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि क्या आप लोगों की आज एक्सपेक्टेशंस है, और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले से आप एक्सचेंज 22 पर बाय करना चाहोगे, कौन से खिलाड़ी ऐसे जो आप सेल करना चाहोगे, क्योंकि भरपूर आपको जो है कि हो सकता है आरसीबी में थोड़ा सा बल्लेबाजी में कम दिखे, लेकिन चेन्नई में तो क्योंकि बैटिंग ऑर्डर क्या होता है समझ नहीं आता, बोलो यार किसको खरीदें किसको बेचें। यहाँ पर सबसे पहले तो आई थिंक इस मुकाबले से सबसे बड़ी चीज है मुझे कि ये ब्लॉकबस्टर मैच होगा, क्योंकि अगर टीआरपी के हिसाब से आप देखो फॉर एग्जांपल वैसे तो एक साइड एमएस धोनी की टीआरपी, एक साइड विराट कोहली को, जब ये दोनों टीआरपी मिल जाएगी तो ये ब्लॉकबस्टर मैच होगा, और उम्मीद है कि मैच भी वैसे ही हो कि दोनों साइड से एकदम खतरनाक टाइप से, चाहे आरसीबी की बॉलिंग हो, चाहे उनकी बैटिंग हो, चाहे हमारी बैटिंग हो, चाहे उनकी बॉलिंग हो, बराबर होना चाहिए। तो मैच सबसे ज्यादा वही इंटरेस्टेड है। हाँ, ये जरूर एक कंसर्न है मेरे को लग रहा है, चेन्नई के साथ इंजरीज बहुत है, दीपक चहर की है, संडा मंगाला की है, बेन स्टोक्स की है, तो ये जो इंजरीज है उनको लगातार, और खुद एमएस धोनी मतलब जूझ रहे हैं फिर भी खेल रहे हैं। धोनी के छक्के आपको याद हैं जिस तरीके से वो वहां पर वो माकुट को उन्होंने मारा है, देखो अब माकुट को वो भी मारे हैं, विराट भी मार रहे हैं, खैर अब धोनी एमएस धोनी और दोनों का मुकाबला है तो वो है, बट और दोनों को देखो जो भी है, जो दीपक हमने बात करी भी है, एज अ चेज मास्टर जो हम कहते हैं धोनी, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों का रिकॉर्ड आप देखोगे तो चेज में तो वो विराट को तो किंग कहते हैं, बट वो किंग लेवल एम्परर जैसे वो उसी तरीके की परफॉर्मेंसेज हैं। बट ये क्योंकि कंडीशंस को भी देखते हुए, मैदान को भी देखते हुए, तो क्या लग रहा है, क्योंकि बॉलिंग फ्रंट पर थोड़ा सा चेन्नई में हमें जो हम एक बात कर रहे हैं कि भाई पेस बॉलिंग यूनिट का क्या होगा, धीरज भाई ने भी जिक्र किया इंजरीज लगातार परेशान कर रही है उनको। आमतौर पर आप आरसीबी की बॉलिंग देखते हो तो कहते हो कि वीक नजर आती है आईपीएल में, ज्यादातर उनका रिकॉर्ड गिरा है, लेकिन चेन्नई की बॉलिंग के सामने आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी बेहतर नजर आ रही है क्योंकि हसरंग आ गए, लेकिन चेन्नई को भी ये पता है और महेंद्र सिंह धोनी भी ये पता है, जानते हैं कि यार अगर आपने फाफ, विराट और मैक्सवेल, ये तीन विकेट आपको चाहिए, ये तीन विकेट आपने ले लिए ना, तो शायद सामने वाली टीम 140-135 भी बनाने उनके लिए मुश्किल हो जाए। और महेंद्र सिंह धोनी आप जानते हैं हर किसी के लिए एक अलग ही रणनीति लेकर आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं यार वो फील्ड प्लेसमेंट ही कुछ अलग लगा देते हैं जो कोई दूसरा कप्तान सोच नहीं पाता। और धोनी के बारे में आपने सुना, वो गेंदबाज को कहते हैं कि यार मैं लंबे समय से कर रहा हूं ना कप्तानी, मुझे पता है मैं लगाऊंगा फील्ड प्लेसमेंट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की जो कप्तानी है वो इस मैच में गेंदबाजी, बल्लेबाजी, कप्तानी जो इस टीम में अच्छी करेगा, या फिर वो आरसीबी के लिए या फिर वो सीएसके के लिए, पर वो एक टीम और चीज होगी, एमएस धोनी जब ये कप्तानी सेट कर रहे होंगे तो एक होंगे दूसरे कप्तान जो फाफ, जो उनकी कप्तानी भी खेल चुके हैं, वो भी गुरु चेला और फाफ भी एक अच्छे कप्तान, वो भी जानते होंगे कि एमएस धोनी करना क्या चाहते हैं, फाफ भी क्या है ना अच्छे कप्तान है। और वही कह रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी और फाफ, ये दोनों देखिए फाफ थोड़े कम है लेकिन महेंद्र सिंह कप्तानी जो बेहतर कप्तानी करेगा, बट दो खिलाड़ी दोनों हम कह सकते हैं कि लंकन ब्रदर्स, दोनों का पिछला मैच उस तरीके से नहीं गया और दोनों की पूरी पूरी वो ऐसा तो नहीं होने वाला कि वो हट जाएंगे, बट क्या एक्सचेंज 22 पर दोनों को बाय करोगे या किसी एक को बाय करना होगा तो किसको बाय करोगे, या फिर मन है आपका कि भाई एक आप ये बताओ ना कि किसी का भाई किसी के जान, बेन स्टोक्स आएंगे इस मुकाबले में, यार वो तो भाई तो इंग्लैंड के हैं, अभी जान हमारे लिए ये हफ्ता हुई है बोला हुआ था, अभी उनका नहीं। और आप हेजलवुड के बारे में भी, हेजलवुड का ये है कि वो आ चुके हैं टीम के साथ जुड़ गए हैं लेकिन रिहैब चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो हाईली अनलाइकली है मैच के लिए, तो इन ब्रदर्स 22 पे दोनों को लेंगे, दोनों को मैं तो दोनों को लूंगा, दोनों को। और ब्रदर मो है जो खोए थे ब्रदर मुकाबले में, जो कभी आरसीबी के हुआ करते थे, लेकिन एक खिलाड़ी है जो अगेंस्ट आरसीबी जब भी मैं देखता हूं बड़ा अच्छा करते हैं, वो है रविंद्र जडेजा, जबरदस्त था वो, एक मेरी बाय है। इवन पिछले मैच में जो जडेजा गेंदबाजी के साथ आए थे वो चेन्नई को ज्यादा फायदा कर गया, क्योंकि बल्लेबाजी में तो ऐसा बल्लेबाज जडेजा आपको शक ही नहीं है यार, देखो T20 में आप बॉलिंग के बेटर जो हम बात कर भी रहे हैं कि विराट जिस तरीके के फॉर्म में है, पम्प्ड अप भी नजर आ रहे हैं, अच्छे रन भी उनके आ रहे हैं, और पिछली बार अच्छी चीज वो लगी कि ठीक है वो हाफ सेंचुरी की जो सेलिब्रेशन रही उनकी लोगों ने अलग अलग तरीके से जोड़ी, कोई सौरभ गांगुली का जिक्र आया, किसी को लगा जी साइमन डूल, उनके स्ट्राइक रेट पर बात हो रही थी, सारी चीजें ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि यार मेरी कोशिश ये थी कि अगली जो 10 बॉल में फेस करूं ना उनमें 20-30 रन बना लूं, तो दैट मींस एक सही माइंडसेट है वो कि भाई टीम को कहां से फायदा होगा। तो विराट कोहली तो आपको कहने की जरूरत नहीं कि आप उनको ऑब्वियसली बाय करें, लेकिन अब उधर से बात कर लें जो हम बात कर रहे हैं कि चेन्नई की तरफ से भी,
बैटिंग ऑर्डर उनका ऐसा रहता है कि वो कंफ्यूज कर देता है ऐसे मुकाबलों में दीपक, कि भाई कि किसको कहां पता नहीं चलता आपको कि भाई कि कौन आज नंबर तीन पर हो सकता है, कौन चार पर हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। आई थिंक आपको भी याद होगा एक वन ऑफ मैच था जब आरसीबी और सीएसके थे, शिवम दुबे ने आके बहुत कूटा था। आई थिंक कुछ 100 रन से भी ऊपर वो मैच था। आई थिंक थप्पा भी थे उसमें, 10 ओवर में 60 रन का स्कोर था और अगले 10 ओवर में कुछ उन्होंने 140 टाइप। और ये वही मैच था ना जब आरसीबी माफ कीजिएगा चेन्नई के लिए क्या था सिचुएशन की हार रहे थे लग ही नहीं रहा था कि, और वहां से उथप्पा निकल कर आए, फिर शिवम दुबे निकाल कर आए, लेकिन एक्सचेंज 22 पे हमें तो खिलाड़ी चुनने जो श्रीलंकन ब्रदर्स की बात की वो तो दोनों को हम बाय कर लेंगे। चेन्नई की बैटिंग में ना थोड़ा कंफ्यूजन, शिवम दुबे को भी रखूंगा मैं सस्ते में। इसलिए मैं ज्यादातर बाय करने के लिए उधर से ओपनर पे जाता हूं क्योंकि ऋतुराज और डेवन कॉनवे आपको वहां से ना थोड़ा प्रॉब्लम ही होती है कि देखो महेंद्र सिंह धोनी जैसे आपने कहा कि वो सरप्राइज भी करते हैं और वो एज पर सिचुएशन कुछ भी कर देते हैं कि कभी नंबर तीन कोई होता है नंबर चार, उधर थोड़ा सा कंफ्यूज आप समझ नहीं पाते किसको बाय करें किसको बाय करें। मैं तो ये सलाह दूंगा आप दो खिलाड़ियों को जरूर बाय करें, आप बताइए अपनी तीन बाय कर दें और तीन छोड़ दें। तीन जो मैं बाय करूंगा, एक विराट कोहली जो रेड हॉट वो तो चल रहा है वो है, सेकंड में करूंगा सिराज भाई मेरी टीम है तो मैं करूंगा मियां भाई को। आपने कहा भी और अगर आप देखोगे दोनों तरफ से, अगर मैं बोलूं भाई कि इस वक्त पर आपको बेस्ट पेसर कौन नजर आ रहा है दोनों तरफ से बल्कि टूर्नामेंट में यार जबरदस्त गेंदबाज, दिल्ली का अगेंस्ट भी आप देखें ना, मोहम्मद शमी हैं, अल्जारी जोसेफ, उसके ट्रेंट बोल्ट हैं, अर्शदीप हैं, बहुत सिराज स्टैंड आउट कर रहे हैं यार अलग अलग फेजेस में। जिस मैच में पिटाई, एक मैच अच्छा नहीं गया लेकिन उसके बाद वापसी की, ऐसा नहीं की वो फिर दो तीन मैच खराब चले गए। सिराज प्लेयर आपके दो मेरे ये हो गए और तीसरे मैं रखूंगा हसरंगा को, ये तीन मैं अपनी टीम से ही बाय कर रहा हूँ। मैं तो ऋतुराज और आपके विराट कोहली ऑब्वियसली, और मैं थिक्षणा, हम ब्रदर्स को अलग अलग कर देते क्योंकि सारे प्लेयर्स अगर हम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। दीपक मैं विराट कोहली, डेवन कॉनवे और तीक्षणा को लूंगा मैं। बट एक चीज ये भी है इस मुकाबले में, जो हमने पिछला मुकाबला देखा जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि जब विराट कोहली 175 रन बोर्ड पर थे और बात कर रहे थे तो कह रहे थे भाई ये ट्रैक डिफरेंट है, वो दिन का मनोज दिन का गेम दरअसल उन्होंने कहा कि बट दिन में दूसरा करता है, दिन में अगेन बॉल भी तो फंस रहा था उस तरीके से, उस तरीके का बॉल देख के उन्होंने, वेशक का भी था, वेशक को इसीलिए वहां पर असिस्टेंसी मिली थी, सबसे अच्छी चीज जो निकल कर आई ड्रेसिंग रूम की जो टॉक्स है, फैफ ने बोला कि जब मैं इसको नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहा था या मैदान पे प्रैक्टिस कर रहा था तब जब मैंने वैसा को खेला तो इसको पिक करना थोड़ा मिले मुश्किल हो, बट ये है कि अगर विकेट फिर दोबारा वैसा रहेगा, मतलब जो टिपिकल रात का विकेट है, मैं वही कह रहा हूँ टिपिकल चिन्नास्वामी से अलग रहा तो फायदा फिर वो चेन्नई को ज्यादा देगा। हाँ, दिन का विकेट पता है जडेजा मोइन अली वो निकाल के, और पिछले मैच भी आप देखो ना कि उस तरीके से स्पिनर्स को मदद मिली थी जो दिल्ली के अगेंस्ट मुकाबला था, तो स्पिनर्स तो चेन्नई के पास अच्छे हैं और वहां पर थोड़ा सा शायद बैंगलोर स्ट्रगल कर जाए स्पिनर्स के मुकाबले, और दोनों टीम्स के लिए बड़ा क्रिटिकल भी मैच है क्योंकि देखो एक जीतेगा एक हारेगा, पॉइंट्स टेबल में फिर एक की जर्नी थोड़ा ऊपर को जाएगी और चेंज हो जाएंगी चीजें, लगातार देख रहे हैं हर एक मुकाबले का चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं, तो इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ खिलाड़ी सेल कर दो जहां आपको फायदा मिले, क्योंकि यार लगता है ना कुछ खिलाड़ी अच्छा करेंगे तो बाई करेंगे, सेल पूछ लेते हैं तीन तीन, आप बताइए कि सेल किसको कर रहे हैं। यार सेल में मैं मतलब किसी की ऐसे हार्श वो होने वाली बात नहीं, बट आई थिंक मतलब जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस का भी दौर देख रहा हूं, और मे बी शिवम दुबे लाइनअप मेरे पता नहीं कहां पर होंगे बट उनको मैं सेल करूंगा वहां पर, शिवम दुबे को एक नाम वो जरूर वहां पर रहेंगे, हर्षल पटेल को भी क्योंकि वो भी आजा होगा जडेजा ने किस तरीके से, और वो स्लोवर 37 रन भी आए थे उसी ओवर में याद है जिस तरीके से वो क्या था, तो वो भी एक गेंदबाज के तौर पर आई थिंक वहां पर रहेंगे, और तीसरा अगर नाम होगा तो मैं वहां पर आज थोड़ा सा एक सरप्राइज ले रहा हूं कि मैं मैक्सवेल का नाम डाल देता हूं, मैं चूंकि आरसीबी का जो पावर प्ले की गेंदबाजी बड़ी अच्छी होती है तो मैं दोनों ओपनर उनके ऋतुराज गायकवाड़ एंड कॉनवे, और साथ ही तीसरे जो होंगे मैं अंबाटी राइडू को जो एज एन इंपैक्ट प्लेयर आता हूं, सब चेन्नई के आपने उधर प्यार बोल रहा है ना आरसीबी का, ये थोड़ा सा बाइस है लेकिन आपको भी समझना चाहिए प्यार में प्यार नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर एक्सचेंज 22 में जीतना भी है, मैं मेरे से खिलाड़ियों को कई बार सेल कर देता हूँ मैं, तो प्यार या व्यापार दो में से एक चीज देखनी है, तो मैं सेल करने की बात करोगे तो मैं रिस्क लूंगा क्योंकि यहाँ पर बड़े जिगर वाले खेलते हैं, स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, मैं फाफ डू प्लेसी को सेल करने के बारे में क्योंकि मुझे लगता है कि धोनी उनकी बैटिंग स्किल्स भी समझते हैं ना, तो ये है। दूसरा मैं सेल करूंगा अंबाती राइडू को और हर्षल पटेल को मैं सेल करने के बारे में, इंपॉर्टेंट ये है या फिर महिपाल लोमरोर खेलेंगे तो मैं महिपाल लोमरोर को भी सेल कर दूंगा क्योंकि उनके अगेंस्ट एमएस भी प्लान्स लेकर आएंगे, और महिपाल लोमरोर का एक फिर वो एरिया हो जाता है ना मिड विकेट वाला, स्पिन को ज्यादा देखते हैं आप देखते हो, और सबसे बड़ी बात है यार कि ये दोनों टीम्स ऐसी रही हैं जो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप क्या करती है टॉप ऑर्डर, तो जो उसको ब्रेक करेगा और वहां से उसमें आप बैक करोगे यार सिराज जिस तरीके से बॉल डाल रहा है फ्रंट, वो तूफान है जिसमें मतलब अच्छे सिराज अगर शुरू में विकेट निकाल गए तो फंस जाएगी चेन्नई की टीम, और बॉलिंग थोड़ी बेहतर लग रही है
आप फिर से वो सरप्राइज भी करेंगे कि भाई हर्षल पटेल आ गए एकदम से बैटिंग में ऊपर और बाकी नाम आ रहे हैं दिनेश कार्तिक, ये आप मतलब आईपीएल में ये चीजें मुश्किल कर देती है एक्सचेंज 22 में। प्रॉब्लम ये इसमें आपका भी बस नहीं चलता ना मेरा बस चलता है, प्रॉब्लम ये है कि आईपीएल में कभी शार्दुल ऊपर आ रहे हैं, कभी अश्विन ऊपर आ जा रहे हैं, कभी हर्षल आ जा रहे हैं, और ये चीज जो होती है ना एक बैटिंग ऑर्डर अगर आपका ये मजबूत ऐसा चलता रहेगा तो ये एंड ऑफ द टूर्नामेंट आपको नुकसान देगा। और एक फैक्ट आपको मैं और देखो इस आईपीएल में अगर आप कहो दो इंडियन जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको निराश किया है, एक आपके युवा खिलाड़ी पृथ्वी शॉ उन्होंने बहुत मिला, और एक आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी दिनेश कार्तिक, इन दो भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। हर्षल पटेल भी आप कहोगे तीसरे हर्षल पटेल को ले सकते हो, तो अब दो तो यही आरसीबी के ही आ जाते हैं, रहेगी अपॉर्चुनिटी दिनेश कार्तिक। देखो आपकी टीम जो हम अभी बात कर रहे हैं कि यार हबीब फैफ विराट की बात हो रही है, मैक्सवेल भी चलो बीच में कुछ कर दे रहे, एक थोड़ा कार्तिक भी वहां से करेंगे ना तो आपकी टीम और ज्यादा सॉलिड और ज्यादा कंप्लीट। कार्तिक के साथ ना बंदिशें यहाँ पर है, हम बात कर रहे थे यार दिन वहां पर की सूर्या होते हैं मुंबई के लिए, उनके लिए क्या है कि चलो 5-7 बॉल आप ले सकते हो, कार्तिक के लिए वो फ्रीडम नहीं है, अब वो 5-7 बॉल भी नहीं ले सकते यार, वो जिस नंबर पर आते हैं 3 ओवर 4 ओवर क्यों दे रहे हो, उनको रोको मत ना जब विकेट वही आप अपने प्लेयर्स को यही चाहते, जब हम क्या कहते हैं एक आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, सपोज मान लीजिए इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहे बहुत अच्छा चल रहा है, नीचे बैटिंग नहीं आ रही, आप क्या बोलते हो यार किसी मैच में अगर ऐसा बन गया तो आप जो आपके 5-6 नंबर वाले उनको बैटिंग करा दो। और आपको याद होगा, आपको याद होगा लास्ट ईयर लगातार यही बात उठ रही थी कि यार दिनेश कार्तिक अच्छा खेल रहे हैं 12 ओवर में भेज दो 13 ओवर में भेज दो, आप उनको क्यों रख रहे हो, एक मैच में उन्होंने 50 भी कर दी थी जिस दिन वो थोड़ा ऊपर आ गए थे। तो ये चीज अब आरसीबी को समझनी होगी कि यार जो दिनेश कार्तिक अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उस रेस में नहीं है, तो आप एज अ फ्रेंचाइजी उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी एक साल और निकालना है मेगा ऑक्शन से पहले भी तो उनका यूज करना है ना, तो आप अगर उनको एज अ मतलब थोड़ा ऊपर मिडिल ऑर्डर में 3-4-5 भी ट्राई कर सकते हो तो कर लो। अच्छा आपकी तो आरसीबी ही रहेगी, आज आपको क्या लग रहा है किसके तरफ हैं आप? मैं तो सीएसके की तरफ हूँ, और मैं भी दूसरी टीम तो आप चेन्नई, आप तो बाबा है चेन्नई के, तो आज देखते हैं अभी थोड़ी देर में हमारी हेलमेट बाबा से भी टक्कर होगी, तो हाँ थोड़ी देर में आप किस तरीके से क्या कुछ रहता है। तो भाई ये है आज का मुकाबला है, जबरदस्त मैच है, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आप बाय करना चाहोगे, सेल वालों को छोड़ देते हैं, चलिए आप सिर्फ बाय वाले बताएं, और आज आप किस टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जबरदस्त मैच है भाई आरसीबी वर्सेस सीएसके, हमने कुछ तगड़े एनकाउंटर्स देखे, मजेदार मुकाबले रहे हैं साथ में, तो अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक्सचेंज 22 का, वहां जाएं खेलें आप, और आप भी खिलाड़ी चुने जैसे हमने भी अपनी अपनी कुछ चॉइसेस चुनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।